सबसे यूनिक पेडागॉजिकल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है हमारे पास. सर, आई हैव डन इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स फ्रॉम आईआईएसईआर त्रिवेंद्रम, वेयर आई डिड माय बैचलर इन साइंस. आपके पास साइंस है नंबर एक, बैचलर है मेरे ख्याल में 3 साल होगा, तो ये उधर से किया हुआ है, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी हुई है. अगर ये 3 साल आपने पढ़ी हुई है तो आपको पेडागॉजी ऑफ साइंस मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, और आपको लेनी भी चाहिए क्योंकि आपकी डिग्री का नाम भी बैचलर ऑफ साइंस है. दूसरा, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. अगर ये 3 साल पढ़ा हुआ है, 3 की बजाय 2 भी पढ़ा हुआ है, अगर 1 साल भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी आपको साइंस मैथ्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और यही लेना चाहिए और कोई नहीं लेना चाहिए. कारण ये है कि आपको आपका मेन जो स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथ में बन रही है, और आप जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें अच्छा कम्पीट कर पाओगे. दूसरी बात है कि आपने पूछा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स अलोंग विद माई, अच्छा, आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर ली है मैथमेटिक्स में, है ना, तो आप मैथ्स साइंस के साथ मैथ्स ले रहे हो, तो मैथ्स के लिए आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो गए हो, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए हो, अगर आपने मैथ्स 3 साल पढ़ा हुआ है. अगर 3 साल नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको एडिशनल पेपर दे के 3 साल ये पूरे करने होंगे. आप मुझे वो अपने डीएमसी का भेज दोगे तो अच्छा होगा, क्लिक, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन के 3 साल वो देख के मैं बता सकता हूँ. तो दूसरा ये हो गया. तो ये तीन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स में की है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो ही हो, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कई बार ये डिमांड कर लेती है कि वही सब्जेक्ट है आपने एज ए इलेक्टिव 3 साल और इतने मार्क्स से ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, तो दैट इज़ वाई आपको 3 साल वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेना चाहिए. विच कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इज सूटेड टू बेस्ट मी, तो आपके लिए बेस्ट है साइंस मैथ्स, इज बेस्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड आपको सोचना ही नहीं चाहिए. दैट इज ऑल.